जो बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है, तो आम विधानसभा में हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। तो स्वामी पर बीजेपी की चुप्पी के बीच मोर्चा संभालने केशव आ गए हैं, तो अखिलेश के मैं भी शूद्र हूँ का जवाब देने केशव आ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि स्वामी तो बस मुहरा है, असली खेल तो अखिलेश कर रहे हैं। वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है, और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोशिश है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। केशव कहते हैं कि स्वामी ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो अखिलेश सब कहलवा रहे हैं। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पीछे अखिलेश की रणनीति, कूटनीति और बड़ी राजनीति क्या है वो भी बताते हैं। कहते हैं कि अखिलेश चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर उनके पास जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों उनको लेकर के आवें, जो मुद्दे न भाजपा से संबंधित हैं, न सपा से संबंधित हैं और न राजनीति से संबंधित हैं, उन मुद्दों को लेकर के आना और समाज का माहौल खराब करना ये गैर कानूनी आचरण है, इसे नहीं करना चाहिए। केशव से सवाल जब अखिलेश के मैं भी शूद्र हूँ के नए सियासी नारी को लेकर पूछा जाता है, तो केशव भी अखिलेश को दे देते हैं चुनौती। समाजवादी पार्टी यादव लगातार जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं शूद्र हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुझे शूद्र कहती है, आज उनके पार्टी के बाहर पोस्टर लगे, क्या इसका जवाब मैं मुख्यमंत्री को विधानसभा में दूंगा? तो आम विधानसभा में हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। दरअसल इस मामले में लगातार अखिलेश यादव सीएम योगी को ललकार रहे हैं, पूछ रहे हैं कि योगी तो योगी हैं, समझाएं रामचरितमानस की उन पंक्तियों का अर्थ। अखिलेश कहते हैं कि वो सदन में जरूर योगी से पूछेंगे, तो इसका जवाब उन्हें मिलता है केशव की चुनौती के तौर पर कि आए सदन में तो आए, यानी सदन में भीषण संग्राम की तैयारी हो चुकी है और पहले भी अखिलेश और केशव के बीच ऐसा संग्राम देखा जा चुका है। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी के बाकी नेताओं की चुप्पी और केशव के यूं इस मुद्दे पर अखिलेश का घेरना, ये बीजेपी की बड़ी रणनीति है कि अखिलेश के पिछड़ों की सियासत का जवाब देने के लिए अपने सबसे बड़े पिछड़े चेहरे को आगे किया जाए। तो आ गए हैं केशव मोर्चा संभालने। वैसे आपको क्या लगता है, अखिलेश की काट केशव कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।